हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह एक ऑफिस से आपका स्वागत करता हूं एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैं जो भी बात बोलूंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए गौर से और ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तुम्हें बिल्कुल कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल बिल्कुल लग जाएंगे। अब एक और अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना था कि कल से एकलव्य बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर कोई भी बच्चे जो जेई मेंस 2021 को टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जेई मेंस 2021 को टारगेट कर रहे हैं, तो एकलव्य बैच ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। करना क्या है, नीचे में जो गूगल फॉर्म दिया गया उसको फिल करना है, उससे तुम्हें स्पेशल डिस्काउंट कोड मिलेगा जिससे प्राइसिंग बहुत कम हो जाएगी, इकोनॉमिकल हो जाएगी और तुम जेई मेंस 2021 को टारगेट कर सकते हो। बहुत स्पेशल बैच है, बिल्कुल डिफरेंट बैच है जो कि सिर्फ जेई मेंस को ही टारगेट करेगा, ठीक है ना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट गौर से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो तुम्हें पता है सर्कुलर मोशन जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो कोई ना कोई फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होता है। क्योंकि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, सुनना मेरी बात गौर से, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और बिना फोर्स का एक्सेलरेशन आ नहीं सकता। यानी कि अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स, एक एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू होती है v² / r या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। तो अंदर की तरफ बिना फोर्स का थोड़ी एक्सेलरेशन आएगा। कौन फोर्स है, रस्सी बांध के घुमा रहे हैं तो टेंशन है। अच्छा, बाइक को सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं, कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। मौत का कुआं देखा है ना, मौत के कुआं में भी अगर कोई बाइक घूम रही है तो सेंटर की तरफ कौन फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल फोर्स। एक गड्ढा आया, गड्ढे पे मैंने बाइक को उछाला, नॉर्मल ऊपर एमजी नीचे। कई कंफ्यूजन होता है कि सर नॉर्मल देगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या एमजी देगा। अगर एक गधे सेंटर किधर की तरफ है, सेंटर ऊपर की तरफ है, अगर सेंटर ऊपर की तरफ है तो नॉर्मल देगा ना, n - mg = mv² / r, नेट फोर्स बराबर m × a, वेयर एक्सेलरेशन विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल्स टू mv² / r। सिमिलरली ढलान है तो क्या होगा, ऊपर नॉर्मल नीचे mg, अब सेंटर किधर है, अब सेंटर नीचे है, तो यहां पे इक्वेशन क्या बनाओगे, mg - normal = mv² / r। ये चारों केस ध्यान रखना, यहां पे फ्रिक्शन बराबर है mv² / r, यहां पे टेंशन बराबर है mv² / r, यहां नॉर्मल बराबर है mv² / r, दो फोर्सेस हैं तो नेट फोर्स बराबर mv² / r। लेकिन नेट फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए क्योंकि नेट एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगी क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, अपन ये लेके चल रहे हैं। अब आते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कुल मिलाकर चार तरह के होते हैं, स्ट्रिंग वाला, सर्कुलर पाथ वाला, रॉड वाला और पाइप वाला। ये दोनों बिल्कुल सिमिलर काइंड के होते हैं, अपन ये पढ़ ले ये दोनों तो कंप्लीट ही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। अब सुनना मेरी बात गौर से, स्ट्रिंग वाला सर्कुलर मोशन डिफरेंट होता है और रॉड वाला सर्कुलर मोशन डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंस आता है अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रिंग वाले सर्कुलर मोशन की। किसकी बात करने वाले अपन, स्ट्रिंग वाले। अब एक बात बताओ, एक बॉब है जिसका मास m है जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहां पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है टेंशन, दूसरा क्या लग रहा है, mg। यानी कि इस पूरे सर्कुलर मोशन के दौरान जब भी तुम सर्कुलर मोशन वाला इक्वेशन लिखोगे तो तुम्हें दो फोर्स के बारे में सोचना है, टेंशन के बारे में और mg के बारे में। कंसेप्ट क्या बोलता है, इन चारों के सवालों को करने के लिए हमेशा दो तरह का इक्वेशन बनता है, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन टू फाइंड वेलोसिटी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, क्या निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए। यहां पे हमने वी दिया तो थीटा एंगल पे कितनी होगी, कुछ भी, अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, तुम्हें लगाना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन। उसके बाद फिर क्या अप्लाई करना है, सर्कुलर मोशन का फंडा जो कि तुमने यहां पर सीखा, नेट फोर्स बराबर mv² / r, वेलोसिटी निकालने के लिए तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है। बस ये दो फंडा याद कर लो, एक एक सवाल मक्खन की तरह हो जाएगा, इस बात की गारंटी देता हूं। बस यही दो फंडा है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रिंग वाले सर्कुलर मोशन का। किसकी बात करते हैं, स्ट्रिंग वाले सर्कुलर मोशन में। अब स्ट्रिंग वाला सर्कुलर मोशन में कुछ ऑब्जर्वेशन है जो तुम्हें ध्यान में रखना है। ऑब्जर्वेशन क्या है मैं समझाता हूं। जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है, यहां पे एक मास लटका हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये थीटा जो है, ये जो थीटा है ये 90 से कम है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब मास जाता है तो उसी पाथ पे वापस लौटा। देखो
सेम उसी पाथ से वापस लौट के आ गया। स्ट्रिंग कहीं पे ढीली नहीं पड़ रही है। क्या स्ट्रिंग कहीं पे ढीली पड़ रही है? नहीं, जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे आ गया। लेकिन जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में कूदता है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो स्ट्रिंग ढीली पड़ जाए, और स्ट्रिंग ढीली पड़ती तो ऐसे करके देखो, या तो स्ट्रिंग ढीली पड़ जाए, देख रहे हो स्ट्रिंग, या फिर बहुत तेज से घुमाए तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर दे। देखो कहीं स्ट्रिंग ढीली नहीं पड़ रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में दो पॉसिबिलिटी है, या तो कंप्लीट अच्छे से घूम जाए विथ स्ट्रिंग फुल टाइट, या फिर ढीला पड़ जाए, दिख रहा है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ढीला पड़ ही नहीं रहा, चाहे कुछ भी कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ढीला पड़ ही नहीं रहा है। इसके पीछे क्या है? तो इसके पीछे सर्कुलर मोशन का लॉजिक है। लॉजिक क्या है, चलो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। एक बॉब है जिसको हमने वेलोसिटी वी दिया, हमने बोला बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा। मान लो ये यहां पर पहुंचा, सपोज करो हमने वी दिया, यू मान लो हमने यू दिया और ये यहां पर पहुंचा। इनर्जी कंजर्वेशन से मैंने इसकी वेलोसिटी यहां पर कुछ निकाल ली, जो कि मेरा वी आ गया। यहां यू दिया, यहां वेलोसिटी कुछ वी हो गई। अब सुनना, इस पॉइंट पे इसकी एमबीडी बनाओ, देखना गौर से। ये थीटा है, नीचे की तरफ लग रहा है बच्चे एमजी। अच्छा, तो ये भी क्या हो गया, ये भी थीटा हो गया। ऊपर लगा टेंशन, टेंशन का दो कंपोनेंट है, सॉरी एमजी का दो कंपोनेंट है। इधर की तरफ क्या है, तो इधर की तरफ है भाई साहब एमजी कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या है एमजी साइन थीटा। साइन वाला तो इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, जिससे अपने को कोई मतलब नहीं। अपन तो सर्कुलर मोशन वाले इक्वेशन की बात करते हैं। ऊपर टेंशन, पीछे की तरफ लगा एमजी कॉस थीटा, पीछे की तरफ क्या लगा एमजी कॉस थीटा। इक्वेशन क्या लिखोगे, टी माइनस एमजी कॉस थीटा बराबर एमवी स्क्वायर बाई एल, यही लिखोगे ना। एम ए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, एमवी स्क्वायर बाई एल। एक्सेलरेशन यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो अंदर का फोर्स माइनस बाहर का फोर्स बराबर एम ए। अब एक बात बताओ, क्या कभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि टेंशन की वैल्यू जीरो हो सकती है? इम्पॉसिबल है। क्यों? अगर टेंशन जीरो हो गया तो ये पार्ट निगेटिव, और निगेटिव कभी पॉजिटिव के बराबर होगा, तो गलती होगा इक्वेशन। एमजी कभी भी इसको अंदर की तरफ एक्सेलरेशन नहीं दे सकता। अंदर की तरफ एक्सेलरेशन देने के लिए अंदर की तरफ फोर्स चाहिए, और यहां पे एक ही फोर्स है, वो फोर्स है टेंशन फोर्स। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि टेंशन कभी जीरो हो जाए, क्योंकि अगर टेंशन जीरो हो जाएगा तो सर्कुलर मोशन कौन करवाएगा। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिल्कुल बिंदास, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब टेंशन कभी जीरो हो ही नहीं सकता, स्ट्रिंग स्लैग नहीं कर सकता। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तुम एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो और ये वाला इक्वेशन भी लगा सकते हो बिना बेफिक्र होके। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि भाई साहब कितनी हाइट ऊपर गया, मैं लगा रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैंने बोला इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। जब ये इस हाइट पे पहुंचा तो काइनेटिक किस में बदला, तो काइनेटिक बदला एक तो दूसरे काइनेटिक में बची हुई थोड़ी बहुत काइनेटिक, और दूसरा पोटेंशियल कितनी हाइट पे ऊपर गया। अरे भाई साहब ये है एल कॉस थीटा, तो ये आ गया एम जी एल, बचा हुआ लेंथ कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से तुम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल लिया, इसको यहां पे डाल दिया, तो टेंशन की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिंपल, दो इक्वेशन, उसके अलावा तीसरा काम में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी स्ट्रिंग स्लैग नहीं होगी, क्योंकि अगर स्ट्रिंग स्लैग हो गई तो टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और अगर टेंशन जीरो हो गया तो सर्कुलर मोशन कौन करवाएगा, क्योंकि एमजी तो बाहर लग रहा है, बाहर वाला फोर्स तो अंदर की तरफ एक्सेलरेशन नहीं दे सकता। तो बस ये दो इक्वेशन ध्यान रखना है। अब इसमें पहला सवाल पूछता है कि भाई साहब मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहे, मतलब मैक्सिमम कितना दे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैक्सिमम कितना हो। यानी कि अपने को कहां से कहां पहुंचाना है, तो अपने को यहां पे कुछ देना है ताकि वो यहां तक जस्ट पहुंच पाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहां तक पहुंच पाए, जस्ट यहां तक पहुंचा मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी, जीरो। यहां पे हमने कितना दिया, यू दिया। स्ट्रिंग ढीला नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है, कोई टेंशन नहीं है। हमने लगाया हाफ एम यू स्क्वायर बराबर एम जी एल, बॉल यहां से यहां पहुंचा, पोटेंशियल एनर्जी में एक सारा कन्वर्ट हो गया, तो यू की वैल्यू आ गई अंडर रूट टू जी एल, जो तुम बचपन से याद करते आते हो कि अगर यू की वैल्यू रूट जी एल हुई तो ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है। यू की वैल्यू रूट जी
जीएल से कम हुई तो किसी थीटा एंगल पर जाके रुकेगा, डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। हमने यू रूट टू जीएल दिया 30 डिग्री पे, टेंशन की वैल्यू पूछा, यू रूट टू जीएल दिया 30 डिग्री पे, टेंशन की वैल्यू पूछा, तो 30 डिग्री पे यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ और वी निकालो, और एक बार तुमने वी निकाल लिया तो 30 डिग्री पे टेंशन भी निकाल सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लफड़ा नहीं होता, लफड़ा कब आता है, जब स्ट्रिंग ढीली पड़ने लगती है, उसके बाद मोशन थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल टाइप का होता है, जो कि अपना सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जैसे कि ये देखा, देखना गौर से देखना, गौर से देखना, ढीला पड़ गया, देखो ढीला पड़ा तो कैसे आया, टक से ऐसे आया, गया गया गया, ढीला पड़ गया। अब देखो पूरा एकदम स्ट्रिंग जैसे ढीला पड़ा, ऐसा ना हो, देखो देख रहे हो, ऐसे करके ऐसे आ गया। या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में पूरा मस्त घूमता रहे, या तो पूरा घूमे टाइट से, एक तो पॉसिबिलिटी है, दूसरा है कि वो ढीला पड़ जाए। तो अपन सबसे पहले पूरे घूमने वाले की पॉसिबिलिटी निकालेंगे, बाद में ढीला पड़ने की बात करेंगे। अब हमने क्या बोला, सेकंड क्वाड्रेंट में दो तीन पॉसिबिलिटी होती है, या तो स्ट्रिंग ढीला पड़ जाए या फिर स्ट्रिंग फुल ऑन टाइट रहे। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में स्ट्रिंग ढीला पड़ता क्यों है, सवाल यह है कि सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह स्ट्रिंग हमेशा टाइट क्यों नहीं रहता है, इसका रीजन तुम्हें देगा फिजिक्स। मान लो किसी बॉल को हमने वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और यह बॉल यहां तक पहुंच गया, यहां पे इसकी वेलोसिटी मैंने बोला ये यू मानो यार, इसको बोला मैंने वी है। अब देखना गौर से, हमने बोला मान ले भाई साहब यह एंगल थीटा है, तुमने बोला ठीक है सर, मैंने बोला नीचे लगा एम जी, ये क्या आ गया, यह आ गया एम जी साइन थीटा, बाहर की तरफ क्या आ गया mg cos थीटा, अपने को cos वॉस से मतलब नहीं, अपने तो अंदर की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ टेंशन t भी आ गया। अब इक्वेशन क्या बनाओगे, तुम इक्वेशन बनाओगे, देखना t plus mg sin थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय l। अब प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम क्यों आ गई, तुम एक बात सोचो, ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लेकिन जब थीटा बढ़ेगा तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती है, क्योंकि sin का ग्राफ ऐसा होता है, थीटा बढ़ने पे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू कमेगी। एक बात बताओ, अभी ये 100 है, ये 50 है और ये भी 50 है, अब ये 100 से कम होके हो गया 60 और ये 50 से बढ़ के हो गया 60, तो टेंशन का तो काम ही खत्म हो गया। सोचो अभी ये 100 है, ये 50, ये 50, 100 से ये कम ऊपर गया, थोड़ा एंगल बढ़ा, एंगल बढ़ा तो वी की वैल्यू कम हो गई, ये 100 से हो गया 80, ये बढ़ के हो गया 50 से 60, अगर ये 60 हुआ, ये 80 हुआ, तो ये 20 हुआ। भाई साहब पहले ये 100 था, ये 50 था और ये 50 था, बैलेंस हो रहा था, अब ये 100 से हुआ 80, ये हुआ 60, तो ये 20 हो गया, अब 80 से ये हो गया 70 और ये भी हो गया 70, ये तो जीरो हो गया। जैसे जीरो हुआ स्ट्रिंग ढीली पड़ गई, और स्ट्रिंग ढीली पड़ी तो साला मोशन ही बिल्कुल अजीब हो गया, देखो ढीला ढीला पड़ गया, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्ट्रिंग ढीली पड़ जाए, और अगर स्ट्रिंग ढीली पड़ गई तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अपने को सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी निकालनी है, वो मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, ताकि पूरे मोशन के दौरान कभी भी स्ट्रिंग ढीली नहीं पड़नी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा, क्योंकि अगर स्ट्रिंग ढीली पड़ गई सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अब मैं क्या सोच रहा हूं, सबसे ज्यादा डेंजरस पॉइंट कहां पर है जहां स्ट्रिंग ढीली पड़ सकती है, वो पॉइंट है टॉप पॉइंट। क्यों सर? अरे भाई साहब टॉप पॉइंट पे वी की वैल्यू सबसे कम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, और टॉप पॉइंट पे mg sin थीटा की वैल्यू भी सबसे ज्यादा, क्योंकि टॉप पॉइंट पे थीटा 90 होगा, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये सबसे ज्यादा और ये सबसे कम, यानी कि सबसे ज्यादा टेंशन के जीरो होने का चांसेस है टॉप पॉइंट, क्योंकि जब ये बॉल ऊपर जा रहा है तो टेंशन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, अपने को बस टॉप पॉइंट तक पहुंचाना है, क्योंकि टॉप पॉइंट पे पहुंचाने के बाद अगर टॉप पॉइंट तक स्ट्रिंग टाइट रही तो उसके बाद स्ट्रिंग टाइट रहेगी। ऐसे कैसे, टॉप पॉइंट तक मान लो स्ट्रिंग टाइट रही तो उसके बाद आप कैसे बोल सकते हो कि टाइट ही रहेगी? एक बात सोचो, टॉप पॉइंट पे टेंशन है, टॉप पॉइंट पे स्ट्रिंग टाइट रही, अब ये टॉप से नीचे आया, अब इसकी वेलोसिटी बढ़ी कि घटी? अरे भाई साहब मान लो ये एंगल थीटा है, ये यहां से यहां आया तो वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना। मान लो यहां वेलोसिटी हो गई वी डैश। अब एक बात बताओ, नीचे लगा mg, नीचे लगा mg, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, अंदर की तरफ आ गया mg cos थीटा, इक्वेशन क्या बनाओगे टॉप के बाद? टॉप के बाद इक्वेशन क्या बनाओगे देखना, t plus mg cos थीटा बराबर mv डैश स्क्वायर अपॉन l। अब सोचो, तुमने बोला कि सर टॉप पॉइंट तक स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट रही,
उसके बाद जब ये आगे बढ़ा तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, ये पार्ट बढ़ गया, ये पार्ट बढ़ गया, और जो टॉप पॉइंट पे एमजी लग रहा था वो अब एमजी कॉस थीटा हो गया, वो तो कम गया, ये बढ़ गया, ये कम गया, ये 100 हो गया, और ये जहां 100 था या ये जहां पर 50 था या जो भी था ये और कम गया, तो भाई बैलेंस करने के लिए टेंशन खुद ब खुद पिक्चर में आ जाएगा। बैलेंस करना है ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन करवा रहा है, ये पार्ट बड़ा हो जाए और ये पार्ट इसको दे नहीं पाए, मान लो ये 100 हो गया और ये 85 तक है, तो टेंशन को पिक्चर में आना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए, ताकि 50 हो जाए और स्ट्रिंग टाइट रहे, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो लेफ्ट और राइट तो बराबर होना चाहिए। भाई टॉप पॉइंट से ये आगे गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी वैल्यू कम गई, तो इसको तो पिक्चर में आना ही पड़ेगा। लेकिन जब ये यहां से यहां जा रहा है तो इसकी वैल्यू कम रही है और इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो टेंशन की वैल्यू कम हो रही है, तो डेंजरस हो रहा है। लेकिन टॉप पॉइंट तक अगर बच गया तो उसके बाद तो बचना ही बचना है, क्योंकि उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ गई, उल्टा रिवर्स में जा रहा है, इसकी वैल्यू बड़ी हो गई और इसकी वैल्यू कम गई, तो इसको वापस से पिक्चर में आना पड़ गया। यानी कि अगर मैं टॉप पॉइंट तक बचा लिया तो ये कंप्लीट हो जाएगा। टॉप पॉइंट पे बचाने के लिए मेरे को कैसे भी करके टॉप पॉइंट पे बॉल के पास 0.01 भी टेंशन देना पड़ेगा। टॉप पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए, अपने को कुछ भी ये करना है, कुछ भी करो, इतनी वेलोसिटी यहां पर दो कि जब वो टॉप पॉइंट पे पहुंचे तो उस टाइम कुछ ना कुछ टेंशन हो, क्योंकि टॉप पॉइंट पे अगर टेंशन है तो उससे पहले भी टेंशन है और उसके बाद भी टेंशन है। तो स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगी, सर्कुलर मोशन करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगी। लेकिन अगर टॉप पॉइंट पे बच गया तो हमेशा बचेगा, उससे पहले अगर टेंशन जीरो हुआ तक नहीं कर पाएगा, उससे पहले टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। टॉप पॉइंट पे अपन लेके चल रहे हैं कि 0.001 भी टेंशन बचे, यानी कि बिल्कुल क्रिटिकल केस लेके चल रहे हैं। तो हमने क्या बोला, ये पता करने के लिए कि यहां पर कितनी दे ताकि यहां पर 0.01 टेंशन रहे, इसके लिए हमने इक्वेशन तैयार किया। हमने बोला यहां पर हमने टॉप पॉइंट की पहले बात करते हैं, टॉप पॉइंट पे नीचे की तरफ लगा टेंशन टी और क्या लगा mg लगा, दैट इज इक्वल्स टू टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी, कुछ यहां v माना है मैंने, यहां तो v मान लो, इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय l। अब मैंने क्या बोला, जस्ट टॉप पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू जीरो कर दो, जस्ट यानी कि v की वैल्यू आ गई अंडर रूट gl। अगर टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी रूट gl से 0.1 भी ज्यादा हुई तो ये वाला पार्ट 0.1 ज्यादा होगा, mg अकेले इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, टेंशन की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, क्योंकि अगर v की वैल्यू रूट gl हुई तो mg बैलेंस कर लिया t जीरो। लेकिन मैंने बोला कि रूट gl से अगर 0.001 भी ज्यादा हुआ तो ये पार्ट 0.001 ज्यादा होगा, ये डालने से 0.01 ज्यादा है तो फिर टेंशन खुद ब खुद पिक्चर में आ जाएगा, स्ट्रिंग टाइट रहेगी, टॉप पॉइंट पे पूरा घूम जाएगा। यानी कि अगर मेरे को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवाना है तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, तो बॉटम पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, उल्टा एनर्जी कंजर्वेशन हाफ एम यू स्क्वायर, जो कि नीचे में था, टॉप पॉइंट पे पहुंचा 2mgl प्लस टॉप पॉइंट वेलोसिटी कितनी है, यहां से जब तुम u की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5gl। यानी कि मेरा बॉटम में वेलोसिटी अगर रूट 5gl से 0.1 भी ज्यादा हुआ ना, 0.1 भी ज्यादा हुआ ना, तो भाई टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी रूट जीएल से 0.1 ज्यादा होगा, यानी कि टॉप पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी। और एक बार अगर टॉप पॉइंट पे वो बच गया, जो कि मोस्ट डेंजरस पॉइंट है टेंशन जीरो होने का, वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा। इसीलिए बोलते हैं कि बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 5gl होनी चाहिए या उससे 0.1 ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो बच जाए, ये क्रिटिकल केस है। लेकिन इससे अगर कम हुई तो फिर क्या होगा, टॉप पॉइंट पहुंचने से पहले ही टेंशन जीरो हो जाएगा, और उससे पहले अगर टेंशन जीरो हुआ तक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। आईआईटी में 2 से 3 से 4 बार सवाल पूछ चुका है इस कंसेप्ट के ऊपर, जेई में और जेई मेंस में दोनों में पूछ चुका है। अगर वेलोसिटी रूट 3gl हुई, यानी कि रूट 2gl से तो कम ज्यादा है लेकिन रूट 5gl से कम है, यानी कि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं अटकेगा, ये कहां जाएगा, ये जाएगा सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं अटकेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि रूट 3gl रूट 2gl से ज्यादा है लेकिन रूट 5gl से कम है, तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन तो नहीं कर सकता, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट तक तो जाएगा।
लेकिन प्रॉब्लम है कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर क्या ये ऐसे जाकर ऐसे आएगा क्या? क्या तुमने कभी मोशन देखा है सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे गया है और उसी पास से आया? नहीं, क्योंकि जैसे टेंशन जीरो होता है तब पक खा लेता है। तो यानी कि मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि इस वेलोसिटी पर टेंशन जीरो कहां हो रहा है। आओ देखते हैं। मैंने माना कि भाई जब मैंने ये वेलोसिटी दी, जब ये टेंशन जीरो हुआ, उस समय भी इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। उस वेलोसिटी को मैंने वी एज्यूम किया, क्योंकि जब टेंशन जीरो हो भी रहा है तो उस समय भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ऐसा नहीं कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, उस पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। उस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया, यहां टेंशन की वैल्यू जीरो मानी। हमने बोला कि भाई साहब नीचे लगा mg, अंदर की तरफ क्या लगा? अंदर की तरफ लगा mg sin थीटा। हमने क्या बोला कि यार अगर इस पॉइंट पे जस्ट टेंशन जीरो हुआ है, यानी कि mg sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय l। पहला इक्वेशन बन गया सर्कुलर मोशन वाला। अब v की वैल्यू कहां से निकालेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन से। हमने बोला कि ये हाइट कितनी है, तो ये है l sin थीटा। कितना ऊपर गया? तो हाफ mv स्क्वायर यानी कि 3gl बराबर पोटेंशियल एनर्जी MgL 1 plus sin theta plus उस पॉइंट पे वेलोसिटी जो कि है हाफ एम वी स्क्वायर, जिसके बारे में अपने को नहीं पता है। लेकिन हम हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालने से पहले, v की वैल्यू निकालने से पहले दोनों निकालेंगे, v भी निकालेंगे और थीटा भी निकालेंगे। दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक काम करो, टू से काट पीट स्टार्ट करो, यहां से टू काट, यहां से और यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 3mgl बराबर 2mgl प्लस 2mgl sin थीटा प्लस mv स्क्वायर, और mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? तो mgl sin थीटा। तो mgl sin थीटा तो इधर लेके जाओगे तो आ जाएगा mgl बराबर 3mgl sin थीटा। अगर मैं सब कुछ किया हूं तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/3, थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स ऑफ 1/3। अगर थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स ऑफ 1/3, तो यहां से तुम वी निकाल सकते हो। और जब तुमने वी निकाल लिया और तुमने थीटा निकाल लिया, पता है ये मोशन क्या हो जाएगा? इस मोशन का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? पता है कैसे? देखो ऐसे जा रहा है, देखना देखना गौर से देखना। मैंने बोला भाई साहब ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना? ये एंगल आ गया 90 माइनस थीटा। यहां पे तुम्हें वेलोसिटी पता है तो ये मोशन ऐसा होगा ना रे, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। वेलोसिटी मिनिमम पूछा तो कहां पे आएगा? टॉप पॉइंट आएगा, जो कि कितना आएगा? v cos ऑफ 90 माइनस थीटा यानी कि v sin थीटा इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ दिस मोशन। अगर तुमसे बोला मिनिमम वेलोसिटी कहां पे, तो यहां पर नहीं है, वो टॉप पॉइंट पे है। हाइट मैक्सिमम कितना हो गया? तो v स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g, याद है ना अपना u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यानी कि यहां पर देखा जाए तो इसका v का ये वाला कंपोनेंट क्या है? ये वाला है v cos थीटा और ये है v sin थीटा। तो मेरे को मैक्सिमम हाइट कितना होगा? तो मैक्सिमम हाइट होगा v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो v भी निकाल चुके हो तुम, थीटा भी निकाल चुके हो, sin थीटा से cos थीटा निकाल लेना, सब कुछ निकाल सकते हो, क्योंकि मोशन अब ये प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। ये सवाल पूछा हुआ है आईटी में, कितनी बार पूछा हुआ है। याद रखना स्ट्रिंग वाले केस में अगर वेलोसिटी √5gl, अगर मेरी वेलोसिटी √2gl से ज्यादा है और √5gl से कम है, तो स्ट्रिंग कहीं ना कहीं ढीला पड़ेगा, और स्ट्रिंग जब ढीला पड़ेगा तो मोशन ऐसा होगा। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा ऐसे प्रोसीजर है। लेकिन जब वेलोसिटी √5gl से ज्यादा होगी टनाटन घूमेगा मस्त, लेकिन जब वेलोसिटी √2gl से कम होगी तो कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ पे आएगा। वेलोसिटी जीरो कहां पे हो रही है भी तुम निकाल सकते हो। ढीला कब पड़ेगा? जब मेरी वेलोसिटी इनके बीच में लाई करेगी, और जब ढीला पड़ेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो ये सारा फंडा करना पड़ेगा, टेंशन कहां पर जीरो हुआ, ये बात ध्यान रखना। जहां टेंशन जीरो हुआ वहां वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। अगर वेलोसिटी जीरो होती तो वो यहां पर ऐसे रुक के ऐसे गिरता, बट ये ऐसे नहीं गिरता। तुम देखो, देखो कैसे गिरता है, ये ऐसे गिरता है, एक हल्का सा प्रोजेक्टाइल मोशन लेता है। अगर वेलोसिटी जीरो होती ना तो ये जैसे कहां गया, ये ऐसे छोड़ता और टक से ऐसे गिरता, बट ऐसा नहीं होता है। वहां वेलोसिटी जीरो नहीं होती, इसलिए मैंने वी माना, टेंशन जीरो कहां पे हुआ ये पॉइंट निकाला, क्योंकि यहां पर टेंशन मेरी जीरो हुई। वी के बाद दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन निकाला, वी निकाला, थीटा निकाला, और फिर ये सारा कुछ निकाला। सोचना इसके बारे में। अब ये केस और ये वाला केस बिल्कुल सेम होता है, ये केस और ये वाला केस बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। सेम क्यों होता है? जहां जहां टेंशन आता है इस केस में वहां वहां नॉर्मल आ जाएगा, बस अंतर कुछ है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर मान लो v की वैल्यू √3gl होती तो पता है क्या करता,
ये थीटा होता साइन थीटा बराबर 1/3, जहां पे नॉर्मल की वैल्यू जीरो होती। क्या होती? नॉर्मल की वैल्यू जीरो होती, टेंशन जीरो नहीं होता, यहां पे नॉर्मल जीरो होता और ये टप्पा खा के ऐसे गिरता। तो यानी कि ये केस और ये केस बिल्कुल सिमिलर होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। बस यहां पर इक्वेशन में हर जगह टी की जगह एन डाल देना, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। यहां पे अपने को √5 gr चाहिए कंप्लीट करवाने के लिए, इसलिए ये केस आता है तो ये केस आता है। बोला दोनों सिमिलर है। अब दूसरा आते हैं रॉड वाले केस में। रॉड वाले से आसान केस दुनिया में कोई केस नहीं होता। रॉड वाले केस से आसान केस दुनिया में कोई नहीं होता, पता है क्यों? क्योंकि रॉड कभी ढीला पड़ ही नहीं सकता। और अगर कोई चीज ढीला नहीं पड़ेगा, तुम सोचो क्या होगा। मान लो ये रॉड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रॉड का और इसका तो बिल्कुल सेम होता है, √2 gl दोगे तो रॉड वाले केस में भी बॉल कहां तक जा पाएगा, यहां तक जाएगा। √2 gl से कम दोगे तो बीच में कहीं पे आके रुकेगा और फिर वापस आ जाएगा, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने रॉड वाले केस में √5 gl से कम भी दिया ना, तो रॉड कभी ढीला पड़ सकता है क्या? लेकिन रॉड तो वैसे के वैसे ही पाथ पे वापस आ गया, इसके पास तो चांस ही नहीं है ढीला पड़ के प्रोजेक्टाइल मोशन करने का। तो रॉड वाला केस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह ही हो गया। कैसे? जब ये रॉड ऊपर जा रहा है तो जहां पे रुका यहां इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, बट स्ट्रिंग वाले केस में वेलोसिटी जीरो नहीं होती, टेंशन पहले जीरो होता है। लेकिन रॉड वाले केस में तो यार ढीला पड़ने का चांस ही नहीं है, मतलब जैसे गया वापस आ गया, जैसे गया वापस आ गया, देखो कितना मस्त जा रहा है। और या फिर टॉप पॉइंट पहुंचा और फिर सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया, टॉप पॉइंट तक तुम कैसे पहुंचा दो, सर्कुलर मोशन कर लेगा, उससे पहले तुम पहुंचाओगे वापस उसी पाथ में आ जाएगा, उसी पाथ में आ रहा है। यानी कि रॉड वाला केस तो यार ये तो गधा वाला केस है। क्यों? क्योंकि यहां तो कोई टेंशन ही नहीं है। तुमने वेलोसिटी √3 gl दी, ये नहीं पता करो कि टेंशन कहां जीरो हो रहा है, क्योंकि रॉड में टेंशन जीरो नहीं होगा। तो क्या पता करो सर कहां वेलोसिटी जीरो हो रहा है? सोचो सोचो, रॉड फर्स्ट केस रॉड और स्ट्रिंग का बिल्कुल सेम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, डिफरेंस आता है सेकंड क्वाड्रेंट पे। क्यों? क्योंकि रॉड वाले केस में रॉड कभी ढीला नहीं पड़ सकता। तो क्या होगा अगर रॉड ढीला नहीं पड़ सकता? मेरे को कंप्लीट सर्कुलर मोशन करवाना है, मेरे को पता है कि रॉड कभी ढीला नहीं पड़ेगा, तो इतनी वेलोसिटी दे दो कि ये जस्ट टॉप पॉइंट तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर ये टॉप पॉइंट तक पहुंच गया तो वो खुद ब खुद घूम जाएगा। टॉप पे अपने को जस्ट वेलोसिटी जीरो करनी है, क्योंकि कभी ढीला पड़ने का चांस ही नहीं है। तो मैंने इसको इतना यू दिया कि जस्ट टॉप पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जस्ट जीरो हो गई। मेरे को पता है कि यहां से यहां आने में कभी उसके ढीले पड़ने का चांस ही नहीं है। इसीलिए रॉड वाले केस में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। हमने वी दिया डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन, ½mu² बराबर √2mgl, यू की वैल्यू आ गई √4gl। अगर मेरी वेलोसिटी √4gl से कम हुई तो क्या होगा? अभी आते हैं इस केस पे। √4gl से 0.1 भी ज्यादा हुई तो टॉप पॉइंट से वो नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो पूरा घूम जाएगा। टॉप पॉइंट से नीचे आएगा और नीचे आएगा तो पूरा घूम जाएगा। लेकिन अगर मेरी वेलोसिटी √3gl तो क्या होगा? आओ इस पे चर्चा करें कि रॉड वाले केस में अगर मेरी वेलोसिटी √3gl हुई तो क्या होगी? क्या रॉड कभी ढीला पड़ेगा? गधे हो क्या? रॉड क्यों ढीला पड़ेगा? अगर रॉड ढीला नहीं पड़ेगा तो सर क्या होगा? होगा ये कि ये कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा और फिर वापस इसी पाथ पे वापस आ जाएगा। कहीं ना कहीं जाके ये ऐसे तुमने वेलोसिटी दिया, ऐसे तुमने वेलोसिटी दिया और ये वापस ऐसे आ जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा। रॉड कभी ढीला पड़ ही नहीं सकता। जब हमने √3gl दिया तो किसी थीटा पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, टेंशन जीरो नहीं, वेलोसिटी जीरो होगी। डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। क्या लगाओ? एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगाओगे? ½m³gl बराबर mgl₁ + sin θ। ले हो गया सीधा, काइनेटिक तो जीरो हो गया। यहां डायरेक्टली थीटा की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। यहां से तुमने थीटा की वैल्यू निकाली कि भाई यहां पर जाके ये रुकेगा, रुकने के बाद क्या होगा? वापस इसी पाथ पे आके वापस नीचे आ जाएगा। तो रॉड वाला केस तो बिल्कुल गधा वाला केस है। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, रॉड वाला केस और ये पाइप वाला केस बिल्कुल सेम है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जब ये मान लो इसको मैं दे रहा हूं, एक पॉइंट ऐसा आया, मान लो मैंने वेलोसिटी दी वी बराबर √3gl, एक पॉइंट ऐसा आया थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 1/3 पे, जब यहां पर नॉर्मल की वैल्यू जीरो हुई। अगर इनर सरफेस नहीं होता तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता, बट अब क्या है पता है तुम्हें? इनर सरफेस आया। इनर सरफेस आएगा तो होगा ये इसके ऊपर आ जाएगा। इसके पास अभी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो हमने वहां पर निकाली थी,
फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और कुछ एंगल और ऊपर जाके वापस फिर से यहाँ पे आएगा और फिर ऐसे आ जाएगा। थोड़ा सोचना, क्योंकि ये केस और ये केस बिल्कुल सेम है। रॉड में टेंशन जीरो नहीं होता, बट ऐसे सोचो कि टेंशन अपना डायरेक्शन चेंज करता है। जहां पे साइन थीटा बराबर 1/3 पे जब रूट 3 जीएल दोगे तो यहां पे नॉर्मल जीरो होगा, बट वो अपना सरफेस चेंज कर लेगा। पहले नॉर्मल अंदर लग रहा था, जब नीचे वाले सरफेस पे आएगा तो नॉर्मल बाहर लगेगा, और अगर नॉर्मल बाहर लगेगा तो सिचुएशन बदल जाएगी। फिर तुम क्या लिखोगे, एम जी का कंपोनेंट माइनस एन बराबर एम पी स्क्वायर बाय आर, तो अब सही हो जाएगा। फिर वो कुछ ऊपर तक जाएगा, कुछ ऊपर तक जाएगा, लेकिन फिर वापस इस सरफेस पे आके नीचे आ जाएगा। थोड़ा सोचना, ये केस और ये केस बिल्कुल डिटो सेम होता है। तो रॉड वाले केस में कंप्लीट सर्कुलर मोशन करवाने के लिए या पाइप वाले केस में कंप्लीट सर्कुलर मोशन करवाने के लिए अपने को वेलोसिटी कितनी चाहिए, अपने को वेलोसिटी चाहिए रूट फोर जीएल। तुम्हें पता है कि इस केस में भी अगर तुम रूट फोर जीएल दोगे ना तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा, बट आउटर सर्फेस पे नहीं, कुछ दूर जाकर जहां पर टेंशन की वैल्यू जीरो होगी वो कूद के इनर सरफेस पे आएगा और फिर इनर सरफेस पे घूमते हुए ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। पता है तुम्हें, रॉड वाले केस में तो अपने को दिखता नहीं है क्योंकि अपने को पता नहीं चलता, बट पाइप वाले केस में तुम देख सकते हो। मैं तुम्हें बस एक एग्जांपल बताता हूं होगा क्या, पाइप वाले केस में होगा क्या अगर वेलोसिटी रूट फोर जीएल हुई तो, देखना। बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि ये बहुत कम लोग बताते हैं यार। प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत कम लोग बताते हैं। मान लो वी की वैल्यू रूट फोर जीएल हुई, तो मैं क्या बता रहा हूं कि भाई साहब अभी ये इनर सरफेस पे, मान लो किसी टाइम पे तुम सोचो कि इनर सरफेस है, मैंने बोला कि भाई रूट फाइव जीएल से कम है, रोड वाला केस है रूट फाइव जीएल से कम है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल की वैल्यू जीरो होने वाली है। मैंने बोला कि भाई साहब मान लो थीटा एंगल पे इस नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन नॉर्मल की वैल्यू जीरो हुई तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी। तुमने बोला कि सर वेलोसिटी निकालते हैं, मैंने बोला ठीक है, देखो कैसे मैं कर रहा हूं। मैंने बोला एम जी साइन ऑफ 90 माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि एम जी साइन थीटा, नॉर्मल जस्ट जीरो किया इस पॉइंट पे, जस्ट जीरो, इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, आर मान लो रेडियस, और यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन से क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एल वन प्लस साइन थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है सुनना, ये से ये काटो और यहां से दो का मल्टीप्लाई कर दो, एम वी स्क्वायर की वैल्यू एम जी आर साइन थीटा यहां पर डालो, तुम देखना 4MGL इज इक्वल टू 2MGL प्लस 2MGL या R बोल दो R साइन थीटा प्लस एम जी आर साइन थीटा, 3MGR साइन थीटा और इधर क्या आ गया 2MGR साइन थीटा, यानी कि यह क्या गया साइन थीटा बराबर 2/3। ये वो एंगल है जहां पर आउटर सरफेस का नॉर्मल जीरो होगा, लेकिन उस नॉर्मल तो जीरो हुआ लेकिन यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो पता है क्या होगा, ये यहां पर इस एंगल पे ये इससे इस पर कूदेगा, इस पे कूदा, अब इस पे कूदा तो नॉर्मल की वैल्यू बाहर हो गई, लेकिन फिर भी ये इस सरफेस पे जाते हुए फाइनली ये टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा, क्योंकि मेरी वेलोसिटी कितनी है रूट फोर जीएल, और टॉप पॉइंट पे अगर वेलोसिटी रूट फोर जीएल से 0.1 ज्यादा हुई तो फिर से ये घूम के सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। रॉड के केस में ये दिखता नहीं है, बट पाइप के केस में तुम ये सोच सकते हो कि नॉर्मल कहां पर जीरो हो रहा है, क्योंकि रॉड के केस में क्या होता है, पहले जब बॉल ऊपर जा रहा होता है तो टेंशन अंदर की तरफ लगता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद टेंशन बाहर की तरफ लगता है। थोड़ा सोचना, क्योंकि रॉड वाले केस में कभी ढीला होने का चांस ही नहीं है और इसमें भी ढीला होने का चांसेस नहीं है। अपने को पाइप के अंदर सर्कुलर मोशन करवाना है तो अपने को क्या इनर सरफेस क्या आउटर सरफेस है मतलब नहीं होता है, बट यहाँ पे फील आता है कि एक्चुअली पिक्चर क्या हो रही है। बट स्ट्रिंग वाले केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अंदर आया तो मतलब ढीला पड़ा वो गिरेगा ही गिरेगा, इसलिए उसमें वेलोसिटी रूट फाइव जी आर से अपने को ज्यादा चाहिए। बट रॉड वाले केस में रूट फोर जी आर दो या उससे कम दोगे तो कहीं पर जाके रुक जाएगा, वापस उसी पाथ पे आ जाएगा, उसी पाथ पे वापस आ जाएगा, क्योंकि ढीला नहीं हो सकता। लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा नहीं है, रूट फाइव जी आर से कम दो, रूट टू जी आर से ज्यादा दो, कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहां वेलोसिटी जीरो होने से पहले टेंशन ही जीरो हो जाएगा, तो वो टप से प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेगा। आई बात समझ में, ये सारा केसेस था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। थोड़ा घर पे बैठ के एक एक केसेस बनाना और सोचना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एक लवे बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, कल से स्टार्ट हो जाएगा बैच। जो भी तुम्हारे भाई बंधु हो या जो भी हो तुम उनको रिकमेंड कर सकते हो, एटीपी का बेस्ट कोर्स होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना यार, तुम लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।